मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई कुंडलियों पर वीडियो बनाकर के आपका मार्गदर्शन करता है। उसके लिए जरूरी है कि आपको ऋषि ज्योतिष चैनल पर जुड़ना पड़ेगा। आपके पास आपकी कुंडली में आपके बच्चों की कुंडली में जो भी शंका समाधान है आप लिख दीजिए, बता दीजिए, मैं आपका अपने ज्ञान शास्त्रों के अनुसार से आपका मार्गदर्शन करूंगा और अवश्य करूंगा। देरी हो सकती है क्यों, काफी लोग जुड़ते हैं तो, लेकिन यह बात इत्मीनान रखिए कि आपका मार्गदर्शन जरूर होगा। दर्शकों एक आधे परेशानी के मार्गदर्शन वीडियो में किया जा सकता है, 15-20 या 25 मिनट का। पूरी के लिए तो मैं कुंडली लिखता हूं, हाथ से लिखता हूं। जो इच्छुक चाहता है संपर्क कर सकता है। कन्या भाव के लिए गुण मिलान मैं बिना किसी शुल्क के राम आसान करने के लिए भेजता हूं। और दर्शकों ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक नर्मदेहर, यहां पर काल सर्दोष पिजोज की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। आज की कुंडली में हम एक कन्या जातक की कुंडली पर विचार करेंगे जिसके की विवाह में प्रबल बाधा आ रही है और उसके व्यवसाय में भी थोड़ी सी परेशानी है। प्रेत योग है, प्रेत योग विवाह बाधा। साधारण तौर पर आप ये समझ लीजिए अब सप्तम भाव पीड़ित होना, जैसे ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव विवाह का व्यवसाय का भाव है। लगन स्वयं जातक है, प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ सुख का, पंचम शिक्षा बुद्धि संतान का भाव है। लोक शत्रु का, व्यवसाय का, जीवन साथी का, अष्टम भाव दीर्घकालीन रोग और आयु का, नवम भाव भाग्य और दसम भाव व्यवसाय का भाव है, और एकादश भाव आमंत्रण का, द्वादश भाव खर्च का, सेवा सुख का भाव है। तो सप्तम भाव जब विवाह की परेशानी आती है कन्या जातक के लिए, एक तो गुरु विवाह का कारक है, गुरु की शुभ स्थिति अच्छी हो और सप्तम भाव की और सप्तमेश की शुभ स्थिति हो तो विवाह हो जाता है, नहीं है तो देरी लगती है। और देरी तो श्री प्रभु हरु को मालूम है कितने दिन का कष्ट देर का। दूसरा है प्रेत योग है, आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, अगर दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो और अष्टमेश का भी उसके ऊपर प्रभाव हो तो ऐसा मानिए कि उसके जातक के पूर्व जन्म के अशुभ पापों के परिणाम स्वरूप दसम भाव का स्वामी अष्टम में आता है, या दसम भाव का स्वामी एकादश में हो और एकादश भाव की भी उसके ऊपर दृष्टि हो तो ऐसा पूर्व जन्म के स्वयं के पाप पर पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप आता है तो ऐसा भी प्रेत योग है। दर्शकों उपाय हर चीज का है और हम सिर्फ उपाय ही कर सकते हैं शास्त्रों के अनुसार। मेरे पास जो भी उपाय है वैदिक ज्योतिष के या लाल किताब के, सब शास्त्रों के अनुकूल उपाय हैं। उपाय ही हम कर सकते हैं मनुष्य योनि में। कर्म तो सिर्फ उस श्री हरि को देना है तो आइए कर्म तो कर ले, बाकी छोड़ दीजिए, उनके ऊपर छोड़ दिए कुछ वो भी करेंगे। सप्तमेश अष्टम भाव में स्वय राशि में मंगल और सूर्य का प्रभाव और अस्त है, सप्तमेश अस्त है, विवाह में बाधा। कोई भी होने दो, आपकी कुंडली कोई भी होने दो, अगर सप्तमेश अष्टम भाव में हो अस्त हो या पाप प्रभाव में हो विवाह में बाधा आएगी। दशमेश अष्टम भाव में, दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो और अष्टमेश के प्रभाव में हो तो प्रेत योग होगा। ऐसा ये पूर्व जन्म के पाप कर्मों के परिणाम से मिलता है। गुरु और शुक्र का राशि प्रथम योग धर्मात्मा की प्रवृत्ति बनाता है, ऐसी बालिका धर्मात्मा भी है। आइए विचार करते हैं उसकी कुंडली क्या कहती है आपके मार्गदर्शन के लिए। सप्तमेश अष्टमेश पाप प्रभाव में विवाह बाधा, दसमेश अष्टम भाव में अष्टमेश का प्रभाव प्रेत योग, गुरु शुक्र का राशि प्रथम योग धर्मात्मा। जातिका का जन्म 9 मार्च 1994 कृष्ण पक्ष त्रयोदशी श्रावण नक्षत्र 4 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर क्योंकि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा था, पक्षबली कमजोर था और सूर्य के बिल्कुल नजदीक चला गया तो चंद्रमा भी अशुभ फलदायक ही मानो समझो। जन्म के समय पर करक लगन हुआ, करक लगन के 26 डिग्री 48 मिनट बाद है। चतुर्थ भाव में गुरु तुला राशि में 20 डिग्री 45 मिनट लेकर के है। पंचम भाव में राहु वृश्चिक राशि में 3:44 लेकर के है। सप्तम भाव में चंद्रमा 22 डिग्री 23 मिनट लेकर आजमान है। वहीं पर
द्वादश भाव का और पराक्रम भाव का समय बुध 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। वैसे तो मृत अवस्था में है लेकिन चंद्रमा के नजदीक है और हमारे ज्योतिष के विद्वानों से चंद्र और बुध का भी विषयोग बताया गया। जैसे सूर्य शनि का है ऐसे ही चंद्रमा भी पिता पुत्र है, इनका भी विषयोग बताया गया। अष्टम भाव में कुंभ राशि में शनि अपनी राशि में 10 डिग्री 57 मिनट लेकर के थोड़ा अस्त है। मंगल 7 डिग्री 46 मिनट लेकर के दसम भाव का समय पंचम भाव का है और सूर्य 24 डिग्री लेकर 50 मिनट है। शुक्र उच्च राशि में 7 डिग्री 16 मिनट लेकर के है। वहीं एकादश भाव में केतु 3 डिग्री 44 मिनट लेकर के, यह ग्रहों की स्थिति रही। और अभी गुरु की महादशा चल रही है 25/11/19 से लेकर के 25/12/35 तक गुरु विशाखा नक्षत्र अपने नक्षत्र में है। दर्शकों, करक लगन के स्वामी चंद्रदेव हैं, इनकी मानसिक शक्ति बड़ी अच्छी होती है, भावुकता के प्रोत प्रोत हो जाते हैं और भावुकता ऐसे हो जाते हैं कि अपना भला बुरा भी छोड़ देते भूल जाते हैं। कठोर परिश्रम करने के बाद इनको मतलब फल मिलता है। लग्नेश सप्तम भाव में है। जब कोई भी लग्नेश, किसी भी कुंडली का लग्नेश, आपका भी कुंडली का लग्नेश अगर सप्तम भाव में हो तो ऐसा बालक तेजस्वी होता है, स्वभाव अच्छा होता है और उसको पत्नी भी सुशीला मिलती है, व्यवसाय भी अच्छा होता है, धन और ऐश्वर्य से संपन्न होता है। स्त्री पक्ष में थोड़ा अवरोध हो सकता है, बुध भी वहीं पर ही है। आत्मशक्ति होती है, मनोबल अच्छा होता है, सुखी धनी और सुंदर विलासी होता है, विवाह होने में परेशानी आती है। अभी सुखी धनी विलासी हो गया और ज्योतिष शास्त्र बोला कि विवाह होने में परेशानी है, तो विलास शास्त्र को विवाह तो पहले चाहिए। अब बात करते हैं मंगल सूर्य की। देखो सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में है और सूर्य के साथ शनि भी है। शनि अस्त जरूर है लेकिन सूर्य के ऊपर भी तो प्रभाव है, अपने आप में प्रबल पितृदोष बन गया। मंगल मंगल भी है तो मंगल तो 17 डिग्री दूरी पर है लेकिन शनि नजदीक है। सूर्य को जब सूर्य शनि को अस्त करता है तो शनि भी उससे पीड़ित होता है। शत्रु राशि में है संकट, परंतु रहन सहन फिर भी धनवानों जैसा होगा। पेट में रोग हो सकते हैं, ऐसे जातक का धन और कोई भी खर्च करता है। सप्तम दृष्टि से धन और कुटुंब भाव को देख रहा है, उसको मैनेज करने की कोशिश करता है, परिश्रम अधिक करना पड़ता है क्योंकि अष्टम भाव में आ गया। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, करक लगन के लिए मंगल अति योग कारक है क्योंकि पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी है। एक त्रिकोण है तो दूसरा केंद्र है, योग कारक माना गया है। जब ऐसा योग कारक अगर शुभ स्थिति में हो तो जैसा मैंने आपको कई बार बताया है कि किसी भी टीम में एक या दो प्लेयर होते हैं, बाकी तो उसके साथ हेल्प करने वाले होते हैं। इस कुंडली में यही तो प्लेयर है, लगन और मंगल जो योग कारक है, लेकिन वो ही अष्टम भाव में आ गया। कारक ग्रह अष्टम भाव में आ गया, जब दशमेश अष्टम भाव में आ गया तो मिथ्या भाषी होगा, झूठ बोलेगा, माता को संताप देने वाला होगा, ऐसा कर्म और धर्म में कोई विश्वास नहीं करेगा, कष्टों की कमी नहीं, एक कष्ट समाप्त होता है तो दूसरा आ जाएगा, आ जाता है। पूर्व जन्म में किए गए पापों के प्रतिफल से ही दशमेश अष्टम भाव में आता है, चाहे कुंडली आपकी कोई भी लगन की हो। आपके पूर्व जन्म में पाप कर्म थे इसलिए दशम भाव का स्वामी अष्टम में आता है और उसके ऊपर अष्टमेश का भी प्रभाव हो तो प्रेत योग हो जाता है और आग में घी छिड़कने वाली बात हो गई, संघर्ष में कुंडली बन जाती है। अब बात करते हैं बुध की। बुध तृतीय भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी है। बुध कुछ व्यवसाय आदि में सफलता दे सकता है परंतु मधुरता नहीं देगा, शरीर में दुर्बलता देगा, शरीर में दुर्बलता देगा, खर्च अधिक करेगा। और बात करें गुरु की, गुरु छठे भाव का स्वामी, नौ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव में है, शत्रु राशि में है। अगर यहां लेकिन शुक्र उच्च राशि में है तो शुक्र की तुला राशि है गुरु की नौ भाव में, तो यहां पर केंद्र त्रिकोण का आपस में राशि परिवर्तन योग हो रहा है, धर्मात्मा बन रहा है। घरेलू सुखों में कुछ असंतोष के साथ फिर भी सुख मिलेगा। शत्रु पक्ष में शांति और सफलता से रहेगा क्योंकि शत्रु पक्ष है, उसको शांति से उसको देखेगा, देख रहा है। सामान्य थोड़ा बहुत असंतोष रहने के बाद सुख होगा। व्यवसाय में सफलता मिलेगी, व्यवसाय में सफलता मिलेगी क्योंकि सप्तम दृष्टि से यहां से देख रहा है, क्यों भाग्येश भी तो है गुरु, छठे का होते हुए थोड़ा सा तकलीफ देगा लेकिन सुख भी तो देगा, क्यों भाग्येश भी तो है, सफलता मिलेगी। भाग्य की शक्ति से खर्च अधिक होगा, खर्चा अधिक होगा और साधारण तौर पर शत्रु राशि में घरेलू सुखों की हानि करता है लेकिन राशि परिवर्तन से उसको अच्छा योग मिल रहा है और धर्मात्मा माना जाएगा, धर्म को मानने वाला होगा। अब बात करें शुक्र की।
शुक्र दर्शको एकादश भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है, नव भाव में उच्च राशि का है। भगवान धर्मात्मा मातृभूमि भूमि का अति उत्तम सुख, माता का सुख, भाई बहन के सुख में कमी क्यों निज दृष्टि से देख रहा है, भाई बहन के सुख में कमी होगी, साधारण तौर पर सुखी धनी और भाग्यशाली होगा और वाहन भी जातक के पास होगा, अच्छा होगा, शुक्र भाग भी अच्छा होगा। अब बात करें शनि की, शनि दर्शको सप्तम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव में अस्त हो गया, व्यवसाय कष्टों की तो बात ही रही, लेकिन निज दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है तो व्यवसाय में परेशानी, धन और कुटुंब को सप्तम दृष्टि देख रहा है, धन और कुटुंब में परेशानी, परंतु सूर्य यहां पर है, बलवान है, उसको संभाल रहा है, उसको परेशानी कैसे देगा सूर्य, वो बात है क्या, शनि सूर्य का विषयोग बन रहा है यहां पर और मंगल शनि का भी विषयोग बन रहा है, ये तीनों पाप ग्रह इस अष्टम आ गए, ये सबसे बड़ी परेशानी वाली बात हो गई और कन्या का अष्टम भाव ये पीड़ित हो गया। कन्या का अष्टम भाव खुद का आयु का कष्ट का भाव है और स्वाग का भी भाव माना जाता है, अष्टम भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब शनि यहां से दशम दृष्टि से शिक्षा संतान के भाव को देख रहा है, राहु पहले से यहां पर खराबी कर रहा है और शनि ने भी यहां कर दिया, शिक्षा संतान के विषय में परेशानी वाली बात बन गई। अब करते हैं राहु की, राहु पंचम भाव में है, शिक्षा संतान में परेशानी देगा, बुद्धि कमजोर होगी, फिर भी बुद्धिमान माना जाएगा, यानी कम पढ़ा लिखे होते हुए भी इतना चालाक होगा, अक्सर लोग बढ़ेंगे उसको बहुत बड़ा हुआ, बहुत बुद्धिमान माना जाएगा, पंचम दृष्टि से भागी की हानि कर रहा है, लेकिन शुक्र उच्च राशि में बैठा है, संभाल लेगा, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। उतार चढ़ाव आमदनी में उतार चढ़ाव देगा, एकादश भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि लगन भाव पर है, तो शरीर में कष्ट देगा, शरीर में रोग देगा। अब बात करें केतु की, केतु दर्श को एकादश भाव में है, अधिक लाभ के लिए अधिक प्रयत्न उसको करना पड़ेगा, परेशानी होगा, ऐसा बालक स्वार्थी भी हो सकता है, अचानक लाभ शिक्षा संतान में परेशानी आएगी और पराक्रमी तो होगा ही, लेकिन नवम दृष्टि से यहां पर जीवन साथी के भाव को देख रहा है, दाम्पत्य सुख में साधनता मधुरता की कमी होगी। दर्शको राहु पंचम भाव में है, केतु एकादश भाव में और गुरु उनकी परिधि से बाहर है, आंशिक काल सहयोग है, आंशिक या संपूर्ण काल सपोर्ट, जब राहु केतु की दशा आती है उसमें और कोई ग्रह पीड़ित रहता है, जैसे शनि मंगल यहां पर अशुभ योग बना रहे हैं, तीनों के तीनों एक साथ पाप ग्रह यहां पर इकट्ठे हो गए, तो ऐसे में उसको कष्ट थोड़े से ज्यादा मिलेंगे आंशिक में भी। ऐसा पद नामक कालसोक बनता है, संतान शिक्षा में परेशानी आएगी, जीवन साथी विश्वास प्राप्त नहीं होगा, लाभ में रुकावट होगी, मन में चिंताओं का वास होगा और पग पग पर उसको परेशानी होगी। तो ऐसे मैंने जातक को बताया, सप्तमें सष्टम भाव में सिंह राशि मंगल और सूर्य का प्रभाव अस्त विवाहम बाधा, सप्तमें सष्टम भाव में सूर्य मंगल, सूर्य और मंगल से प्रभावित है, विवाह में प्रबल बाधा आ गई। दशमेश अष्टम भाव में है और अष्टमेश भी वहीं पर है, योग हो गया आपका भी इसी से किसी भी कुंडली हो, अगर आपका दसवें दसम भाव का स्वामी यहां पर है और अष्टमेश भी वहीं पर है या उसकी दृष्टि है तो प्रेत योग होगा। शुक्र और गुरु का राशि प्रतिनियोग, बच्ची धार्मिक है, धार्मिक बच्ची बनाई, तो मैंने ये आपको बताया। अब उपाय की बात करते हैं, इसमें उपाय भी बहुत सरल है, दर्शकों ये दोष तो निकालने पड़ेंगे, पितृदोष निकालना पड़ेगा, प्रेत योग निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद जाति का चंद्रमा का नग, मंगल का नग और गुरु का नग अपने गले में धारण करें, भागवती लाकर गले में धारण करें, उसकी शादी भी हो जाएगी और सारे सुख भी हो जाएंगे और शिक्षा तो अब जो कुछ था वो तो हो चुकी, या मतलब कहने का मतलब यहां पर भी अच्छा हो जाएगा, यानी चंद्रमा का रत्न, भागेश का रत्न और पंचमेश का रत्न, चंद्रमा मंगल और गुरु का रत्न गले में धारण करें और फिर भूल जाए उसको, थोड़े से दिन में अपने आप पर मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मंगल शनि का विषयोग, शनि सूर्य का विषयोग, चंद्र बुध का विषयोग, आंशिक काल सप्योग और पितृदोष का निवारण अवश्य करा लेना चाहिए। दर्शकों मैंने आज आपके सामने एक होनहार कन्या के जिसमें कि विवाह में प्रबल बाधा आ रही है, जिसके व्यवसाय में दिक्कत आ रही है, जिसकी जो प्रेत योग है, तो उस कुंडली का आपका विश्लेषण किया। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी मेरे बच्चों के लिए, कन्या के लिए या पुरुष के लिए लाभदायक है, तो आप शेयर अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और दोस्तों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मन इसी प्रकार से मेरा मनोबल ऊंचा उठे और मैं इसी प्रकार से आपको वास्तविक कुंडलियां आपको इस प्रकार से वास्तविक कुंडलियां मेरे ख्याल कोई आपको मार्गदर्शन करता होगा मार्गदर्शन करा करके मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।